पे, वो पापा जा रहे हैं तो ओ माय गॉड पापा हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में। तो आज है सैटरडे, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और मैं उठ चुकी हूँ। आज सुबह सुबह 6:30 को मेरी आँख खुल गई है, कोई अलार्म नहीं कुछ नहीं, बस मेरी नींद पूरा हो गया था तो मैं उठ गई। उसका रात को मैं और आरू अराउंड 9 o'clock ऐसे सो गया था दोनों ही। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, स्कूल में एक छोटू सा मीटिंग है उसी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह उठ के सारा काम, घर का जो भी काम होता है वो सारा चीज़ें कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद सो योर हेयर स्टाइल बैथ, यस वाओ ब्यूटीफुल, लंच बना के जा रही हूँ। आरू को तो मैंने खिला दिया, मैंने और पापा नहीं खाया खाया है कुछ भी। और पापा का चल रहा है सिक डे, थोड़ा बहुत मेरा भी चल रहा है सिक डे, थ्रोट वगैरह थोड़ा बहुत पेन रहा है। पापा का तो पूरा ही हेडेक हो रहा है, लेकिन स्कूल में बुलाया है इसलिए अटेंड करने जा रहे हैं। 10 बजे बुलाया, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुका है तो अभी निकल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज तो सैटरडे है और पापा का सिक डे चल रहा है, घर में ही बैठेंगे हम लोग। लेट्स सी कि क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं होता है, होते होते सब कुछ अपने आप हो जाता है। लेट्स गो। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं, वैसे काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि आते ही फ्रेश अप होके मैं और पापा ने लंच कर लिया, अभी जस्ट किया है क्योंकि पेट में बहुत ज़ोरों शोरों से चूहा दौड़ रहा था। काफ़ी हो गया है। स्कूल में हम लोग को एक एक समोसा दिया, पापा तो खाए नहीं, मैं और आरू ने खाए। आरू तो वो सब्जी नहीं खाती है, बस बाहर का कवर लेयर वही खाती है, तो वही खा के थोड़ा सा रुक गया था। उसके बाद फटाफट घर आए, खाना खाए, अभी फ्री है और वीडियो देखती हूँ कि कितना बन पाता है कितना नहीं। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग अभी नैप लेके उठ चुके हैं स्कूल से आने के बाद, लंच करने के बाद। हम लोग, मैंने आप लोग को बता दिया था कि हम लोग ने लंच कर लिया, उसके बाद जो सोए हम लोग अभी उठे हैं, रात हो गया है। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए क्योंकि घर पे कुछ नहीं है। तो चलिए बाहर चलते हैं, फिर कंफर्म नहीं है कि किधर जाके क्या लेने वाले, बाहर जाते दिखते हैं उसके बाद ही पता पाऊँगे मैं। तो चलिए, तो देखो मेरे साइड में बैठी है अभी सो के उठी है और ये नाटक कर रही है, नींद तो आ। कैट बनी है कैट। हम लोग अपना फेवरेट स्पॉट पे आया है, सबसे पहले थोड़ा पेट पूजा करेंगे क्योंकि थोड़ा पेट खाली हो गया हम लोग का। सबसे पहले हम लोग तो हम लोग नॉनवेज चाउमीन दिया है ऑर्डर, वही खा के ये साइड वाला जो रास्ता दिखे वहीं पे जाके देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को, क्योंकि सब कुछ चाहिए, टमाटो तो ये सारा चीज़ें कुछ भी नहीं। अभी ये रहा हमारा चाउमीन, आ गया है, अब खाते हैं। What is the biscuit ice cream? That creamy one. तो हम लोग का चाउमीन खाना हो गया है डन, अब जा रहे हैं हम लोग रत्नादीप का तरफ। ऐसा जाम लगा हुआ है ना, बाइक है बोल के हम लोग गली गली से निकल जाते हैं, अगर कार होता ना घंटों घंटों रुकना पड़ता है। पापा बोलता है कि जब उसका ऑफिस होता है तो जाता है तो उसको बहुत रुकना पड़ता है, देता ही नहीं। दोस्तों हम लोग अभी सबसे पहले पहले तो बात हुआ था कि हम लोग सिर्फ रत्नादीप जाएंगे, अभी सबसे पहले जाके हम लोग रिलायंस सुपर मार्केट जाके देख के आ रहे हैं कि वहाँ पे क्या सस्ता दे रहा है क्या नहीं। तो वही जा रहे हैं रिलायंस, वही से लेना पड़ेगा अदरक, अदरक वहाँ पे बोल बोल के दे रहा है। तो अभी दिवाली आने वाला है तो हर जगह क्रैकर्स फुटा रहा है, अभी से शुरू हो गया, बच्चे सब बोल रहा
लाइटनिंग का रौनक लग गया है, क्रैकर्स का रौनक लग गया। साउथ में आके एक चीज़ हम लोग को नया दिखाई दिया वो है कि जब दिवाली या क्रिसमस ऐसे कुछ आता है ना तो वो लोग बाहर में टेंट लगा के बड़ा सा स्पेशली खास करके वही ओकेशन के लिए वो लोग जैसे कि दिवाली आने वाला है, दिवाली के लिए क्रैकर्स वो लोग अलग सा शॉप बनता है और भरपूर सिर्फ इधर देखो सिर्फ आपको वहाँ पे क्रैकर्स मिलेगा और किलो का हिसाब से बिकता है। हमारा उधर तो ऐसा होता नहीं, इवन मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा, नॉर्मल सा शॉप पे होता है वैसे करके वो लोग वैसा करके बेचता है। जैसे कि क्रिसमस में और न्यू ईयर में वो लोग क्या करते हैं, बाहर में एक टेंट लगाता है, उसके बाद केक रख के ऐसे करके बिकते हैं। अभी दिवाली और वो क्रिसमस आने वाला है, मैं दिखाऊंगी आप लोग को अगर हम लोग उस दिन अगर बाहर जाए। अब ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। ये रहा, इधर है रिलायंस, हम लोग पहुँच गए हैं, देखते हैं क्या है सब्जी। ये सब्जी वाला काम ना सुबह ही होना था, सुबह स्कूल चले गए तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। पापा बाहर में वो फ्रूट देख लो, पहले बाहर देख लो फिर अंदर में, क्योंकि बाहर में भी रखता है ये लोग, अंदर में भी रखता है तो कभी कभार कभी कभार अंदर का अच्छा नहीं होता, बाहर का अच्छा होता है, ऐसा होता है। नो, तो चलिए अंदर। इसको यहाँ पे बिठा दिया हूँ, बोल रही है कि वहाँ से मेहंदी लगाएगी। ए सिट डाउन। और पापा इधर घुसने से पहले बाहर से ही वो ऑरेंज ले रहा है, वहाँ पे है वाटरमेलन, कोकोनट, पाइनएप्पल, एप्पल एंड भैया ऑरेंज। हम लोग ऑरेंज का बड़ा फ़ैन है, पाइनएप्पल का भी बहुत बड़ा फ़ैन है हम लोग, और वो वाटरमेलन का भी, लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो हम लोग नहीं लेते हैं। पाइनएप्पल तो छोड़ो यार, वो अच्छा ही नहीं होता है, कभी अच्छा नहीं मिला, वो सिर्फ हमारा लोकल का ही अच्छा होता है। Hello guys, good morning. This is my brother. Aren't you excited? I'm so excited. I'm on the block. Do you hear that, तो मैं शॉपिंग मॉल है, क्या बोल रहे हो, मैं शॉपिंग मॉल है, ये सुपर मार्केट है, पापा क्या है वो? अच्छा पापा ऑयल, चलो इधर से घुसते हैं पहले। बैठो, गिर जाओगे, बैठो, वेट। हियर, दिस वन। मेरी बेटी यहाँ पे भिंडी का शॉपिंग कर रही है, यहाँ देखो ना भिंडी घुसा रही है। यहाँ देखो ना करेला आ रहा है, करेला को क्या बोलते हैं? नो, व्हाट इज दिस, बीटर, या करेला भी घुसाना है, करेला अच्छे वाले घुसाना, ठीक है, क्यूट वन। आई डोंट नो, आप ही देख लो क्यूट है कि नहीं है। हाँ क्यूट है कि नहीं है, है? पापा वहाँ पे अदरक ले रहे हैं।
अदरक मीन्स आ अरे आ से अदरक अरे ये क्या है अच्छा बेर है रो रो वाले रो ग्रीन वाले गुआवा ये अरबी है कितना रुपीस है अरबी 64 रुपीस किलो अरबी ड्राई हो गया है इसलिए एक किलो में इतना ज़्यादा है एक किलो से ज़्यादा होगा अरबी है वो उधर भिंडी उठा के ले गए बिकॉज हरिका इज अ गुड गर्ल तो वो ये भिंडी का भी पीछे पड़ा हुआ है पापा यहाँ पे पोटैटो ले रहा है मैं इधर से जाके ऑयल उठा के लेके आती हूँ फिलहाल पूरा राशन पानी नहीं उठा रहा है अभी बस जो चाहिए था इमरजेंसी में ही कहाँ है आई विल टेक दिस वन फॉर्च्यून चाहिए तो हम लोग को घी भी ख़त्म हो गया है लेकिन अभी नहीं लेंगे एक दो दिन बाद आ जाएंगे फिर उधर ही सीरियस स्टॉक हो रहा है उसका पूरा सोच के ले रही है भिंडी यहाँ से नहीं लेंगे हम लोग रत्नादीप से लेंगे यहाँ पे थोड़ा मुरझा हुआ है कैरेट वी विल बाय फ्रॉम रत्नादीप तो हम लोग अभी काउंटर की तरफ जा रहे हैं अभी जाएंगे हम लोग उधर सीधा क्या हुआ लंच बॉक्स अच्छा है ये लंच बॉक्स ऐसा है फिर यहाँ पे चटनी डालने के लिए पर ये तो गिर जाएगा लेट मी सी वेट वो हम लोग का वो टूट गया है रोलर तो वही बोल रही है बाय बाय एक दो दिन बाद आके लेते नॉट नाउ रख दो वापस वो रहा वहीं से उठाया रख दो पापा ने तोड़ा है रख दो छोटू बेबी हाइट माप रहे हाइट लेट मी सी हाँ दिखाओ खड़े हो जाओ कितना हाइट है 100 हाँ ये रहा खड़े हैं ये रहा ओ 100 से ऊपर है ना दिवाली आ रहा है तो हर जगह चॉकलेट एवरीवेयर चॉकलेट मिठाई पापा अंदर है बिलिंग कर रहा है हम लोग इधर वेट करेंगे बाहर में संभाल के हाँ तो चलिए यहाँ बैठते हैं हाँ ओके गाइस हम एक वाला ब्लॉग में आज है फ्राइडे हम सभी को मैं एक वाले ब्लॉग में हम बाल है हम पापा नहीं बाल छोड़ दे है पापा बाहर चले गए पापा बिलिंग कर रहा है पापा बिलिंग कर रहा है हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर हम वेट कर रहे हैं बाहर बैठा हुआ है बैठा हुआ है इत दिखा रही है पापा नहीं है उधर तो इस वीडियो ने एंड करो वीडियो को एंड करो इतना जल्दी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई कल मी व्हेन यू ऑन माय वीडियोस बाय टेक केयर बाय अरु का व्लॉगिंग कैसे लगा बताइएगा जरूर व्लॉगिंग करती है वो बीच बीच में पापा यहाँ पे बिलिंग करके बाहर आ चुका है अभी सामान डाल रहा है उसके बाद हम लोग बाहर रत्नादीप जाएंगे हर कोई दिवाली लाइट लगाया है अभी तो शुरुआत है हम लोग रत्नादीप पहुँच गए हैं एक मिनट
काफ़ी दिनों बाद आए हम लोग रत्नादेव में। कुछ दिन से पापा ही आ रहा था अकेला अकेला। मेरा बेटी देखो डांस करते करते क्या पापा, मैंने जाते समय ही बोला था गड्ढा है बोल के। सब्जी देखो, सब्जी यहाँ देखो नो दिया स्टिकर है, रंगोली स्टिकर, ये रंगोली स्टिकर है। यहाँ पे रंगोली वो बनना पड़ता है कलर्स ऐसे ही। अच्छा, वो उसमें से आपने डालना पड़ता है यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं। ये छोटे वाले और ये लोटस वाले, ये देवल की पिटी पिटी रख दो तुम। मेरा बेटी सब दिवाली का सामान आ रखा है यार, मेरा पूरा गला दर्द हो रहा है बार बार। उसको देख लो कहाँ कहाँ जा रही है, आओ इधर। हाँ लालीपॉप कैंडी ढूंढ रही है, इधर आओ जाके सब्जी देख लो, सब्जी देख लो, ऐ सब्जी देख लो, सब्जी देख लो, जाओ सब्जी, सब्जी खरीदने आए तो सब्जी। ये बड़ा क्यूट लग रहा है, ये देखो एकदम बैग भी दे रखा है। आज रत्नादेव में भी सब्जी का कलेक्शन ज़्यादा नहीं है और सारे रुके सूखे हैं। मुझे नहीं लगता हमें लेना चाहिए। हाँ देख लो ये देख लो, वो कब से बोल रही थी कि मेरे को हार्ट शेप का केक चाहिए, ये बिना देखे ऐसे ले लिया। और देखा ऑनलाइन से लेना पड़ेगा ऑनलाइन, लाल वो नहीं है, नहीं है वो यहाँ, अच्छा नहीं है, पूरा हल्का है। कब से बोल रहा था ये हार्ट शेप का केक लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं ले रहा है हम लोग यहाँ से, कुछ भी खास नहीं है सब्जी, सब रूखा सूखा है। ये देखो सब सूखा हुआ है, अपना चॉकलेट ले रही है। वो बड़े वाले ढूंढ रहे, उन लोग ने हटा दिया है, वो अच्छा नहीं है। एक बार भी लिया था ये खाने नहीं सका, एक पैकेट पूरा बर्बाद हो गया था, हम लोग को पूरा फेंकना पड़ा। ऑलरेडी है आरे का कपास, सेम टू सेम, सेम कलर में। वाई वाई लेके आता हम लोग, वाई वाई कम, हाँ वाई वाई देखते हैं जाए। वाई वाई भी यहीं रखता था, पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता, दिखाई नहीं दे रहा, यही सेक्शन में रखता था। नहीं है वाई वाई भी, ये पास्ता मैक्रोनी ये सारा चीज़ें कुछ भी नहीं खाते हैं हम लोग, अच्छा भी नहीं लगता है, हम खरीदते भी नहीं है। हो गया नहीं हुआ, नहीं है कुछ भी नहीं है जो चाहिए हम लोग को। दे दो दे दो, बिलिंग कर लो। चलो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ नहीं मिला, दो कैंडी लेके बाहर जा रहे हैं, अब फिर आगे जाके देखते हैं, ऑप्शन ही नहीं हुआ है। सारे सब्जी रूखा सूखा, कुछ खास नहीं है। चलिए घर में जाके तो रूखा सूखा होने वाला है, वो रूखा सूखा सब्जी लेके जाके क्या करेंगे हम लोग अगर फ्रेश ही लेके ना जा पाए तो। हम लोग ये हमारा घर का पास में एक सब्जी दुकान है, हाँ यहाँ पे वो पापा जा रहे हैं तो। ओह माय गॉड पापा, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे पापा ने बाइक पार्क किया था तो स्टैंड ठीक से नहीं लगा, जैसे पापा चले गए बाइक चलने लग गया आगे, तो जैसे चलने लग गया मैं आरू को आगे खींच लिया, उसको तो जैसे तैसे बचा लिया मैं, लेकिन मैं बाइक का नीचे मैं आ गया। इधर हाथ, इधर हाय, और पीछे
पीछे पीछे और इधर पाँव में, इसको जो थोड़ा लगा बोला इधर पीछे, नहीं तो इसका नीचे ही आने वाला था बाइक। जैसे हिलने लग गया इसको लेके, बाइक जा रहे आगे स्टैंड से वो लूज होके, इसको खींच लिया मैं जैसे तैसे, इसको तो बचा लिया, मैं चली गई बाइक का नीचे, पूरा जोर से लगाया तो हाँ चला गया पापा बाइक का पार्क करके, फिर से हम लोग को उठा के सब्जी लेने के लिए। अब देखते हैं वहाँ पे भी क्या मिलता है कुछ खास, तो एक्चुअली ना शाम को कुछ खास सब्जी मिलता नहीं है कहीं पे भी, इवन रिलायंस में भी, रिलायंस में सुबह बहुत अच्छे अच्छे। अरे यार बहुत हाथ दुख रहा है, भाई तो इधर दुख ही रहा है, तो वेट कर रहे हैं हम लोग अभी पापा का यहाँ पे बैठ के। और इसने रत्नादीप से ये लेके आया है, मुँह फुलाई है अभी है ना, तो चलिए मिलते हैं। अरे यार इधर भी लगा हुआ है, अभी पता लग रहा है, अभी मैं गरम गरम, मेरे को कुछ भी पता नहीं लगा ना कहाँ कहाँ लगा है, अभी आस्ते आस्ते पता लग रहा है जलन। इधर मामा हाँ अभी आस्ते आस्ते पता लग रहा है कहाँ कहाँ, मतलब वो रिएक्ट तुरंत रिएक्ट नहीं हो रहा है, अभी धीरे धीरे पता लगा, अब लग रहा है इधर भी लग गया है, ये रहा छिल गया है। Why get so many hurt? मामा वाज सेविंग यू, तो चलिए वेट करते हैं पापा का यहाँ पे। कमर भी बहुत भयंकर दुख रहा है, कमर पे भी, कमर पे भी इतना जोर से लगा ना कि क्या बताऊँ मैं, ऐसे तो कमर टूटा हुआ है। और इधर का भी इतना पेन कर रहा है, इतना पेन कर रहा है कि क्या बताऊँ। अभी फिर से चिकन शॉप में रुका हुआ है, और बार बार सर्दी लगने का, बीमार पड़ने का वैसा वाला फीलिंग हो रहा है पूरा जोर से, अब मतलब पूरा एकदम मुझे फील हो रहा है कि बीमार होने वाला है, पड़ने वाला है। मौसम चेंज हो रहा है एक्चुअली, इसीलिए ऐसा हाल हो रखा है। देखो आज सुबह हम लोग ने सब्जी, जहाँ पे हम लोग फिश लेने जाते हैं ना, वहाँ से अगर उस तरह से हम लोग अगर सब्जी लेना मिस कर देते हैं तो ऐसा हाल होता है, कहाँ कहाँ से उठाना पड़ता है, किधर किधर से, तीन जगह गए वो भी उतना खास सब्जी नहीं मिला जो होना चाहिए, फ्रेश वगैरह थोड़ा सा ही लिया है, फिर भी काम चलाता है, इसलिए यहाँ से चिकन खाने का और बनाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, इतना बीमार फील हो रहा है, ऊपर से और एक नया तड़का मिल गया, हाथ में तो ज़रूर कुछ हुआ है यार, बार बार से वो कर रहा हूँ, बार बार ध्यान उधर ही जा रहा है और पूरा पेन कर रहा है। तो चलिए हाँ घर अभी जाएंगे, जाके पूरा काम करना पड़ेगा, वीडियो भी एडिट करना पड़ेगा, आज वीडियो एडिट करना बहुत लेट हो गया है, तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, कल फिर मिलते हैं संडे वाला ब्लॉग में, बाय एवरीबॉडी।